तो सबसे पहले आप ना रैंडम DIY यूज़ करते स्किन पे उसे यूज़ करना बंद करिए, यानी कि स्क्रब करना। जैसे कि आपने ले लिया शुगर या फिर कॉफ़ी ले लिया एज अ स्क्रब, आप यूज़ करते फिजिकल स्क्रब। मार्केट से तो स्क्रब अलग बात है, लेकिन घर के जो स्क्रब आप यूज़ करते DIY, देखिए ये सब बिल्कुल मत करिए। स्किन को डैमेज करता है, इरिटेट करता है, ओपन पोर हो जाएंगे और आपकी स्किन परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, फिर कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो इन सब को स्किप करिए और फिजिकल स्क्रब भी मत यूज़ कीजिए। मार्केट से जो स्क्रब आप यूज़ करते हैं तभी आपके जो है स्किन बैरियर जो है वो सही होगा, हेल्दी रहेगा। कभी कभी पिंपल्स इसीलिए भी होते हैं, जब स्किन बैरियर डैमेज होता है तो इसलिए पिंपल रैशेस और स्किन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैरियर अगर हेल्दी होगा, स्किन सही होगी, तो फिर अच्छा होगा, आपकी स्किन एक्नी कम होगी। तो केमिकल एक्सफोलिएशन जो बिगनर है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है PHA एक्सफोलिएशन सीरम डॉक्टर सेट का, और इसमें पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, इसमें 2% नाइसनामाइड सीरम है, एलो एक्सट्रैक्ट है, और रेडनेस को कम करता है, पिंपल को कम करता है, ब्रेकआउट को होने से रोकता है, पिंपल को ड्राई करता है। मेरी पिंपल्स जो थे ना ड्राई हो चुके हैं। ये एक्सफोलिएटिंग सीरम जो है ये आपके स्किन की लेयर को धीरे धीरे एक्सफोलिएट करता है, लेकिन यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। ये सुइटेबल है सेंसिटिव स्किन के लिए। मैं खुद बिगनर हूँ, पहली बार मैंने इसको यूज़ किया, देख सकते कितनी बॉटल मैंने इसको ख़त्म कर ली है, और तभी मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत अच्छा ये वर्क किया, मुझे कोई भी पिंपल एक्नी ब्रेकआउट नहीं हुए, बल्कि जो हुए थे पिंपल एक्नी उनको ये ड्राई कर रहा है, धीरे धीरे ड्राई हो रही है, रेडनेस धीरे धीरे जा रही है मेरी स्किन से, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए आप एक्सफोलिएशन एक बिगनर है तो इसको आप ज़रूर रखें, बहुत ही अफोर्डेबल में 499 समथिंग कुछ है इसका प्राइस, आप चेक कर लीजिए नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह मिल जाएगा। खास तौर पे ये इंडियन स्किन टेक्सचर के लिए बनाई गई है, आपकी टेक्सचर को स्मूथ करता है, ग्लोई बनाता है। AM PM आपको दोनों यूज़ करना है। इसको सबसे पहले आप फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पे डैब डैब करके लगाइए, थोड़ा सा मसाज करिए, उसके बाद आप कुछ एक दो मिनट स्किप करिए ताकि एब्जॉर्ब कर ले आपकी स्किन, और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाइए। इसको आप यूज़ करेंगे ना आपका स्किन बैरियर हेल्दी रहेगा। फिजिकल स्क्रब और रैंडम DIY ये सब छोड़िए, बिल्कुल मत करिए। फेस पैक लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रब घर का कुछ भी यूज़ मत करिए, क्योंकि परमानेंटली स्किन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके रह सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन में ग्लो एक आ जाएगा, और डैमेज जो स्किन बैरियर हो चुका, बैरियर हेल्दी होगी तो फिर आपके पिंपल भी धीरे धीरे कम होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। आपको टाइम टू टाइम 15 डेज के बाद ना आपको आपके रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। देख सकते हैं मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, पिंपल वगैरह ड्राई होते रहते हैं, कम हो जाते हैं, बीच बीच में एक दो आते तो मैं यूज़ करती हूँ। अभी मैंने इसको 15 डेज लगातार यूज़ किया है, क्योंकि नाइसनामाइड सीरम है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है स्किन के लिए, जेंटली एक्सफोलिएट कर रहा है। सेंसिटिव स्किन हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको इससे पिंपल नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। कुछ भी यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें, पता नहीं 100 में से 1% जो होते हैं जिनको सूट नहीं करता है, इसलिए आपको पैच टेस्ट थोड़ा सा कर लेना है, लेकिन आई थिंक आपको सूट कर जाएगा। तो ये रिव्यू, मेरी जेन्युइन रिव्यू, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।